नमस्कार, रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रमेश जी, आप भारतीय संघ के पद पर हैं और ये जो संघ है ये क्या काम करता है वो बताएं। भारतीय समाज निर्माण संप्रदाय के प्रथम और भारतीय समाज निर्माण देश के अंदर सामाजिक चेतना सामाजिक कार्यक्रम सोशल तो आपसे मतलब कैटराइज करते हैं या और किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं इस चीज़ को वो बताएं। हम तो कैटराइज करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और जो दूसरे राज्यों हमारे सीनियर लेवल लोग हैं वो कैटर देते हैं। और जो फूले साहब की, बाबा साहब की, पैरियर की, ये जो महापुरुषों की विचारधारा है उसके आधार पर लोगों को यहाँ का सोशल सिस्टम चलता है। आप क्यों करते हैं वो बताएं। हम इसलिए करते हैं कि जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग उन लोगों को आप वंचित जो भी कह सकते हो, वंचित समाज के जो लोग हैं उन लोगों को देश की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जब तक उनको जागरूक नहीं करेंगे, जब तक उनको अवेयर नहीं करेंगे तब तक आपके देश का विकास नहीं हो सकता। आप देश को क्या 21वीं सदी में लेकर के जाना, साइंटिफिक उसमें लेकर के आना है। अगर आपके देश का 90% जनसंख्या अज्ञानता में रहेगी, अंधकार में रहेगी, गरीबी में रहेगी, आपका देश कहाँ उन्नति करेगा। अगर आप देश की उन्नति करवाना चाहते तो 100% लोगों को जागरूक करें। आप रमेश जी भारतीय समाज निर्माण संघ से हैं और घर घर जाके बहुत सारी मीटिंगों को ऑर्गेनाइज करते हैं। 2 लोग 4 लोग 10 लोग जहाँ भी मिलते हैं वहाँ समाज की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं और आज इन्होंने पूरे देश के अंदर बहुत अच्छे से लोगों को जोड़ा हुआ है ताकि SC ST OBC सभी वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं और बहुजन समाज की सरकार बना सकें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता की चाबी जब तक आपके हाथ